Hi, on behalf of the whole Taxila Parivar, welcome. So, in front of us we have Mr. Ravindra Upadhyay. He's a lawyer from Jaipur, he's a Bollywood singer, a performer. He has given many popular tracks in movies like Happy New Year, Iqbal, Talash, Raktacharit, many TV commercials, albums and YouTube series. So sir, you are the one with many words, right? A dreamer, a lawyer, a musician, a performer, achiever. So what shall we call you in your words? Just call me a normal, confused guy. असल में होता यह है कि हम सब जब मैं भी जब कॉलेज में था तो हज़ार चीज़ें सोचता था और हज़ार चीज़ों में एक चीज़ ये थी कि म्यूज़िक तो सिर्फ शौक़ के लिए है और इसको प्रोफेशन बनाया नहीं जा सकता. और मेरे फादर क्योंकि जुडिशल ऑफिसर थे तो वो चाहते थे कि पढ़ाई लिखाई करके मैं भी जुडिशल ऑफिसर बन जाऊँ या फिर एटलीस्ट किसी सरकारी नौकरी में जाऊँ, क्योंकि हमारे पूरे ख़ानदान में कोई म्यूजिशियन नहीं था तो वो तो मैं सोच भी नहीं सकता था सपने में भी. तो फिर मैं अलग 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 स्ट्रीम्स में सोचता था. पापा बोले कि तू लॉ कर, मुझे लॉयर बनना चाहिए. ठीक है साहब, बिना सोचे उसके लॉयर भी बने. लेकिन एक चीज़ ज़रूर रही कि होता है क्या, जब बहुत सारे निशाने एक साथ साध लेते हो तो कोई सा भी सकता नहीं. बोलते हैं एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए. यानी कि आप अगर बहुत जगह डाइवर्टेड रहोगे तो कुछ हाथ आता नहीं. तो वैसे ही मेरे साथ हुआ. मैं कभी UPSC के एग्ज़ाम दे रहा हूँ, कभी RJS दे रहा हूँ, कभी कुछ, मतलब उल्टा सीधा सब कुछ चलता रहता था. लेकिन फाइनली हुआ ये कि मेरा जब लॉ पूरा हो गया तो फिर मैंने एज अ लॉयर आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस. फिर मेरा वकालत वगैरह थोड़ी बहुत चलने लगी. और लेकिन मैंने अपना शौक नहीं छोड़ा. तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने आप को ज़िंदगी की परेशानियों से बचाए रखने, या ऐसा मानो कि कई बार मोनोटोनस हो जाती है लाइफ, तो अपने उस मोनोटोनी को तोड़ने के लिए आपको हमेशा एक अच्छी सी हॉबी आपके पास होनी चाहिए जो आपकी हो, यानी कि जिस हॉबी के साथ आप अपने आप को जोड़ सको. तो एक म्यूज़िक ऐसी चीज़ थी जिसे मैं अपने साथ जोड़ लेता था और बस ऐसे ही करके लाइफ चलती थी. सर, आपका टेनिस का एक्सपीरियंस क्या था तक्षला? बहुत ही प्यारा. और मैं तो कहूँगा तक्षला बिजनेस स्कूल ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं हम सब स्पीकर्स को और हमारे लिसनर्स को. देखिए क्या होता है कि एक्सपीरियंस तो हर एक के पास है, लेकिन शेयर करने का एक परफेक्ट स्टेज, प्रॉपर स्टेज अगर उसे मिले तो उससे जो जो स्पीकर है, यानी कि जो बोल रहा है अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, उसको भी फ़ायदा होता है और जो सुनने वाला है उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्योंकि एज अ लिसनर, क्योंकि होता ही है कि ज़िंदगी में कई बार हम लोग सिर्फ बोलते बोलते रहते हैं, सुनते कम हैं. और सुनना बोलने से कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज होता ही है कि उस टाइम जब आप सुन रहे होते हो तो आपको एक नहीं हज़ारों आदमियों के एक्सपीरियंसेस आपके अंदर आ रहे हैं. बिना उस तकलीफ, बिना उस दौर के बीच में गुजरे हुए, हो सकता है कि मैं अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम से निकला हूँ और उसी प्रॉब्लम को मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ, तो आपको पता रहेगा कि इस तरह की सिचुएशन में ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए. तो टेड को मैं थैंक्स बोलूँगा और साथ ही हमारे तक्षला बिजनेस स्कूल को मैं बोलूँगा थैंक्स कि उन्होंने इतना बढ़िया आज स्टेज प्रोवाइड करवाया हम सबको. और स्पेशली स्टूडेंट्स जो आज रूबरू हुए हम सब स्पीकर्स से, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स से बातचीत करने में एक पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों को भी मिलती है. एज अ स्पीकर, एज अ परफॉर्मर, आई ऑलवेज फील अ पॉजिटिव एनर्जी व्हेन आई यू नो परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ यंग पीपल लाइक यू. तो आपकी इंस्पिरेशन क्या रहा यहाँ तक? इंस्पिरेशन असल में देखिए क्या होता है, लाइफ में इंस्पायर होने के लिए हज़ार चीज़ें हैं. अब ये डिपेंड करता है कि आप उन हज़ार में से कौन सी एक चुनते हैं. इंस्पिरेशन अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग हो सकती हैं. जैसे अगर आप अभी इस वक्त आप स्टूडेंट हैं, हो सकता है आप अपने किसी फैकल्टी से इंस्पायर्ड हो सकता है आप किसी सेलिब्रिटी से इंस्पायर्ड हो सकता है आप अपने मम्मी से, पापा से, किसी से, और यहाँ तक कि फ्रेंड्स से भी आप इंस्पायर हो सकते हैं. लेकिन डिपेंड करता है आप उसको, उसमें से चीज़ें देखें पॉजिटिव. असल में होना यही चाहिए कि भाई ठीक है, जैसे मैं एज अ सिंगर आई वॉज इंस्पायर्ड विद जगजीत सिंह जी गज़ल्स एंड रफ़ी साहब स्टाइल ऑफ सिंगिंग, तो वो शुरुआत मैंने वहाँ से करी. और उसके बाद जैसे मैं आगे आगे गया तो मुझे लगा कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी सुखविंदर जी टाइप की आवाज़ है, थोड़ा सा पावर सिंगिंग जो है वो मुझे पसंद भी थी, अच्छा भी लगता था, तो मैंने उनके गाने गाने शुरू करे. तो इंस्पिरेशन लेने का डिपेंड करता है कि आप जिस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में आप किस चीज़ से इंस्पायर हो रहे हैं. तो वही है, आप उसको सही चीज़ को पहचानो और इंस्पायर्ड रहो, बी इंस्पायर्ड. सर, आप अपनी स्टूडेंट लाइफ से कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे? जैसे कि आपने कहा UPSC कर रहा है, आपने लॉयर किया है, आपकी स्टूडेंट लाइफ है, तो कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ, देखिए स्टूडेंट लाइफ से असल में होता यह है कि जैसे मैं अभी आपसे सबसे बात कर रहा हूँ तो मैं यही कह रहा था कि वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं और एक्सपीरियंस बदलते हैं. जैसे जैसे आप छोटे होते हैं तो
तो आप प्री स्कूल में हैं, उसके बाद आप प्राइमरी स्कूल में हैं, आप फिर मिडिल में हैं, हायर सेकेंडरी में हैं, एंड देन आप फिर पोस्ट अपने स्कूल के बाद कुछ बच्चे कुछ अलग स्ट्रीम में जा रहे हैं, या जैसे आप लोग बिजनेस स्कूल में पढ़ रहे हैं. ऐसे ही जब मैंने बीए किया तो बीए करने के टाइम पे मैंने एनसीसी ज्वाइन किया. ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उस तरह की बात कर रहा हूँ. एक बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्टूडेंट लाइफ को ना यूटिलाइज़ करो, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, अपने ओवरऑल एज अ बोलना चाहिए ना कि एक पर्सनैलिटी आप अपने आप को कैसे डेवलप करोगे. एंड इट टेक्स टाइम, एक दिन में नहीं होगा, एक साल में भी नहीं होगा, ये बहुत लंबा प्रोसेस है. कि जब आप स्टूडेंट लाइफ पूरी करके समाज के सामने आके खड़े हो तो आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए जिसे देख कर पहचान जाए ये तक्षला बिजनेस स्कूल का लड़का है या ये वहाँ का स्टूडेंट हो सकता है शायद, क्योंकि इसके तौर तरीके कुछ अलग ही नज़र आ रहे हैं. तो वैसा बनने के लिए यू नीड टू यू नो गेट इन टू दैट मोड कि जहाँ आपको हज़ार चीज़ें सीखने मिलनी चाहिए. अब जैसे मैंने एनसीसी ज्वाइन किया, मैं एक आर्ट्स का स्टूडेंट था, सिंपल हिस्ट्री ज्योग्राफी और हिंदी मेरे सब्जेक्ट्स थे. लेकिन मैंने एनसीसी ज्वाइन करने के बाद मैंने अपने आप को बहुत एक्सप्लोर किया, फिजिकली एक्सप्लोर किया अपने आप को, अपनी जो बोलना चाहिए कि डिसिप्लिन वाली जो एबिलिटीज़ हैं उनमें मुझे बहुत धीरे धीरे उस चीज़ से फ़ायदा मिला, पढ़ाई में भी फ़ायदा मिलता है. तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कीजिए, एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे बोलते हैं ना, कि आप अपनी पढ़ाई अपने कोर्सेज के अलावा अपने आप को डेवलप कीजिए एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया. क्योंकि यूथ का क्या है, यूथ के पास एनर्जी इतनी सारी है, लेकिन उसको यूटिलाइज करके एक प्रॉपर एक चैनल में डालना बहुत ज़रूरी है. उसमें अपने आपके मम्मी पापा, आपके आपके जो फैकल्टीज़ हैं, आपके जो गुरुजन हैं, वो भी आपको गाइड करते हैं. कई बार आपके फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि यार मैं तो ये कर रहा हूँ, तू भी करेगा क्या. तो देखो उसमें से कुछ पॉजिटिविटी ढूंढो और देखो कि जब आप 3 साल बाद बाहर निकलोगे, साल भर बाद बाहर जाओगे सब लोगों के सामने, तो अपने आपको कैसे पेश करोगे एज अ मैन, एज अ सिटीजन, एज अ पर्सन, आप अपने आप को अच्छे से पेश कर सको. इसलिए अपने आप पे वर्क करते रहो हमेशा पढ़ाई के साथ साथ. सर जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो हाउ डू यू कीप अप विद दिस, लाइक आप कैसे इसको मैनेज करते हो? हाँ, ये तो देखिए ये हर एक के लिए ज़रूरी है, ये एक बिजनेसमैन के लिए भी ज़रूरी है, ये एक आर्टिस्ट के लिए भी ज़रूरी है, एक टेक्नीशियन के लिए भी ज़रूरी है, इनफैक्ट ये एक राजनेता के लिए भी ज़रूरी है. आजकल तो आप जानते हो हर चीज़, हर बार आप देखते हो कि चीज़ें अपडेट होती हैं. सो कीप योरसेल्फ अपडेट. और क्या होता है, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आज मान लीजिए मैंने अगर मैंने म्यूज़िक में मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं म्यूज़िक में कुछ सीख नहीं सकता. मैं बड़े आराम से सीख सकता हूँ, मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स अपने म्यूज़िक में डाल सकता हूँ, या कुछ नई चीज़ें ऑन स्टेज सीख सकता हूँ, कुछ साउंड के बारे में सीख सकता हूँ. सो मतलब अपने आप को अपडेट रखना बड़ा टेढ़ा काम है, लेकिन ज़रूरी है. टाइम बाय टाइम अपडेट करो. अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने बिजनेस के जो तौर तरीके हैं, क्योंकि हर बार हर साल साल दो साल बिजनेस बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं लोगों की. आज हो सकता है कोई एक बिजनेस चल रहा है, कल दूसरा चलेगा, तो सब तरफ देखना बहुत ज़रूरी है. सो आई ऑलवेज ट्राई टू यू नो कीप माई सेल्फ अपडेटेड. और अपडेट में ये है कि आप नया चीज़ें देखो, एक्सप्लोर करो, अपने आप को खुला रखो. ऐसा नहीं कि बांध करो, नहीं जी मेरे को तो बस ये पसंद है, उसके अलावा मैं देखता ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं. आप खुले रहो, अपने आप को चारों तरफ देखते रहो. रिसेंटली मैंने जैसे बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे मना किया था, और बहुत सारे लोगों ने मजाक भी बनाई थी कि भाई रविंद्र तू जा इस लेवल पे आके तू कंपटीशन में जाए. मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि मुझे पिछली बार जब मैं रियलिटी शो का विनर बना था, दैट वॉज 2005, आई वॉज द विनर, राइट. तो मुझे लगा कि आप ये अल्टीमेट गोल मैंने पा लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है. जैसे मैंने अपनी टॉक जब मैं बोल रहा था स्टेज पे, तभी मैंने ये वाली बात कही थी कि ज़िंदगी में मुकाम आते हैं, एक माइलस्टोन आया, आपकी मंजिल नहीं होगी, वो सिर्फ एक माइलस्टोन है, वहाँ तक पहुँचो, थोड़ी देर उसको एंजॉय करो, अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स अब सब लोगों के साथ एंजॉय करो, फिर आगे बढ़ जाओ. तो उसी का मज़ा है. तो मैंने कहा अगर 12-13 साल बाद अगर मैं फिर से अगर किसी रियलिटी शो के स्टेज पर जा रहा हूँ, तो मुझे अपने आप से लड़ना पड़ेगा. एंड इट वॉज रियली टफ फॉर मी टू यू नो कम्पीट विद ऑल दोज यंगस्टर्स एंड यू नो विद ऑल दोज न्यू आइडियाज, बिकॉज वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट का स्टेज था, बड़ा टफ था. मैंने मेरे से 10-12 साल छोटे बच्चों के साथ, जिनको मैं बच्चे बोल सकता हूँ, मतलब देर सो यंग, उन लोगों के साथ मैंने एक बैंड बनाया उसको, और उसको लीड किया. अब लीड करना सबसे टेढ़ा काम है, क्योंकि जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है, बट आगे मतलब चांसेस लो यार, कोशिश करो. तो होता यही है कि इसी तरह से अपने आप को ट्राई करते रहना चाहिए. तो क्या पता आप सोच के बैठे हो आप बहुत बड़े विनर हो, आप बहुत बड़े सिंगर हो, लेकिन हो सकता है कि इस वक्त आपको फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत हो, तो फाइन ट्यूनिंग हो जाती है इस बारे में. तो डरो मत, एक्सप्लोर योरसेल्फ एंड कीप योरसेल्फ अपडेटेड. सर
अरे अब रहे नहीं असल में स्वर्गीय जगजीत सिंह जी, मैं हमेशा से उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। मैंने बचपन से उनकी गज़लें सुनी हैं, उनके गीत सुने हैं, और सबसे ज़्यादा कनेक्टेड मैं इसलिए भी हूँ उनसे क्योंकि वो हमारे राजस्थान के थे। तो मुझे लगता है कि काश जगजीत सिंह जी के म्यूज़िक डायरेक्शन में एक गाना गाने को मिल जाता तो बहुत बड़ी बात होती। लेकिन हाँ, एक गाना मैंने उनके सामने गाया, उनके सामने जब वो मैं स्टूडियो में जिस वक्त गा रहा था तो सामने बैठे हुए थे जगजीत जी, और वो पूरा गाना ब्लड मनी फिल्म का एक गाना था, तो वो गाना मैंने उनके सामने डब किया। तो मुझे लगता है कि वो एक सेटिस्फेक्शन मुझे मिला एटलीस्ट उनके सामने एक गाना डब करने का। उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे इनपुट्स भी दिए, बताए भी, चीज़ें समझाएं, पर अनफॉर्चुनेटली जगजीत जी जल्दी चले गए हमको छोड़ के। अब हम सिर्फ उनके म्यूज़िक से इंस्पायर हो सकते हैं, और मैं तो कहूँगा कि अगर आप लोग सच्चे म्यूज़िक लवर्स हो तो आप एक बार ज़रूर जगजीत सिंह जी की गज़लें सुनो, शांति से बैठ के आपको अपनी ज़िंदगी का फलसफा समझ में आएगा। सर, इंडस्ट्री में आपको होता है कि आपको कभी लेट नाइट और काम करना पड़ता है, कभी आपको जल्दी भी काम करना पड़ता है, सो और ट्रैवल भी करना पड़ता है, सो इन दिस केस हाउ यू मैनेज अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हो? हाँ, ये थोड़ा टफ है, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए किसी भी काम करने के लिए, और वो सपोर्ट सिस्टम होता है आपकी आपकी जो फैमिली है बिल्कुल आपके नज़दीकी, आपकी अगर इफ़ यू आर मैरिड, योर वाइफ, योर चिल्ड्रन, योर मॉम एंड योर मॉम, योर डैड, आपका एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में फ्रेंड्स जो आपके हर छोटी बड़ी बात को शेयर करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। सो कीप योर सेल्फ आई मीन इन टू दैट सपोर्ट सिस्टम, उनका साथ लेकर चलो। ऐसा नहीं आज अगर दौड़ जाओगे बहुत अच्छी बात है, दौड़ गए एक दो मील आगे निकल जाओगे, लेकिन पीछे मुड़ के जिस दिन देख लिया और अगर वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया आपको साथ में, तो ऐसा दिल टूटेगा, बड़ा लफड़ा हो जाएगा। तो कोशिश ये करो कि हमेशा, अब जैसे मेरे साथ भी होता है, जैसे हमने आपका क्वेश्चन यही है कि भाई कैसे इस भाग दौड़ की प्रोफेशन में मैं मैनेज कर पाता हूँ, मैं सिर्फ इसी वजह से मैनेज कर पाता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरी वाइफ माधुरी जो है वो खुद एक IAS ऑफिसर हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मेरे फैमिली को बैलेंस किया हुआ है, इट इज़ रियली टफ कि मैं देखता हूँ कि कई बार मुड़ गया तो उन्होंने पूरा, मैं मेरे मम्मी पापा बच्चे सब लोग सबको पूरे से उन्होंने संभाला हुआ है। सो हैव अ फैमिली एंड बी विद योर फैमिली। अगर आप देखोगे बहुत बड़े बड़े, कुछ दो नाम लेता हूँ मैं, दोनों अपनी फैमिलीज के साथ में, अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान जी, दिलीप कुमार जी, सब लोग अपने फैमिली। जो लोग फैमिली से टूट टूट के इधर उधर हो जाते हैं तो उनका कहीं ना कहीं जाके ना वो प्रोफेशनल लाइफ भी बिखर जाती है। बस बाल बढ़ाने में थोड़ा टाइम लगता है भाई, मेरे जैसा बनने के लिए थोड़ा बाल बढ़ाने पड़ेंगे, 1.5 साल मम्मी पापा की डांट वाट खानी पड़ेगी। नहीं नहीं, ये तो सर मजाक की बात है, लेकिन हाँ कुछ नहीं, कोशिश ये करो कि कन्फ्यूज मत रहो। जैसे मैं कन्फ्यूज था अपने स्टूडेंट लाइफ में, वैसे कन्फ्यूज मत रहो, अपने आप को काउंसलिंग दो। आपको अच्छे काउंसलर्स की ज़रूरत हो तो ढूंढो, जाओ उनके पास, उनसे बातचीत करो कि क्या करियर, क्या रास्ता होना चाहिए मेरा ज़िंदगी का, और रास्ता वो जो अभी नहीं पूरी ज़िंदगी चल सको जिस रास्ते में, वो रास्ता होगा। क्योंकि होता यह है कि अभी तो मुझे लग रहा है कि मैं पायलट बन जाऊँ, फिर तीसरे दिन लगेगा कि मैं कुछ और बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बन, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। आपको वो प्रोफेशन पकड़ना पड़ेगा जिस प्रोफेशन के साथ आपको, जब आप काम करके घर आओ तो आप सेटिस्फाइड हो, और दूसरे सुबह जब आप जाने के लिए अपने ऑफिस या अपने काम पर जब भी जाने के लिए तैयार हो तो आप इंस्पायर्ड, आपका मन करे जाने का, इच्छा यार कुछ करते हैं, तो वो जब आप कुछ करते वाला आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ में ताउम्र पूरा ज़िंदगी में एक चीज़ कर सकता हूँ, वो प्रोफेशन पकड़ो, तब मज़ा आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।